राजभवन के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का ये विरोध प्रदर्शन है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर पहले से ही कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि ईडी 3 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ करती रही, अभी पूछताछ बाकी भी है और इसी दौरान देखा यह गया कि दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया गया। देश के तमाम राज्यों में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और आज भी कांग्रेस के नेता हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है तो वहीं भारी पुलिस बल इसको लेकर तैनात किया गया है। हेराल्ड मामले में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर हैं। पूरे देश भर के राजभवन में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूछ का ऐलान किया है। हम इस वक्त राजधानी देहरादून में आप देख सकते हैं कि जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी के उत्पीड़न होता रहेगा या कांग्रेस का उत्पीड़न होता रहेगा, कांग्रेसी कार्यकर्ता उसका विरोध करते रहेंगे। यही वजह है कि आज तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। तो तमाम चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, तमाम नेता सड़कों पर मौजूद हैं। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्षों से बात करें, किस तरीके का विरोध रहेगा ये? देखिए, हमारा शांतिपूर्ण आयोजन रहा है जिसमें थे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी पर ईडी के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और कल इंतहा होगी, हद होगी, सारी सीमाएं लाग गई। कल AIC ऑफिस, जो हमारा मंदिर है, जिसका एक इतिहास है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, उस कार्यालय में घुसकर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ और उन्हें उठा लिया गया। और क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, अपनी बात को रख पाना, क्या ये भी इस लोकतंत्र में क्या न्यायसंगत नहीं है? ये सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। आ इसी को लेकर कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी और इसीलिए पूरे प्रदेश में आज ये लड़ाई को आगे तक ले जाने का और कांग्रेस करने का काम करेगा। ये तो यशपाल आर्य जिनका कहना है कि जो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उत्पीड़न है, राहुल गांधी का उत्पीड़न है और उस उत्पीड़न को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने सहयोगी रिंकू प्रजापति के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक देहरादून।